जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की टिकट पर इस बार फिर ऋचा जोगी अकलतरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जांजगीर चांपा जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ऋचा जोगी ने चुनाव लड़ने की बात कही है। घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर जोगी कांग्रेस पार्टी के साथ देने का वादा किया है, जिसके बाद प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा की टिकट से ऋचा जोगी ने चुनाव लड़ा था। इस बार पार्टी का गठबंधन बसपा के साथ नहीं है। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान स्वयं सेविकाओं ने लाइब्रेरी खेल मैदान को स्वच्छ करते हुए सभी से स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आयोजन हरियाणा राज्य के अंबाला में आयोजित किया गया, जिसमें अपनी सहभागिता बीए तृतीय वर्ष की छात्रा कुमारी चंद्रमुखी पांडे ने निभाई थी, जिसके लिए स्थापना दिवस के अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह दिया गया। जांजगीर जिले के अकलतरा ब्लॉक क्षेत्र के किरारी गांव में डायरिया तेजी से फैल रहा है। चार वार्डों में मरीजों की पुष्टि की गई है। पिछले तीन दिनों में 21 लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से चार मरीजों का इलाज अकलतरा के स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। हैंडपंप और नलों की जांच में पता चला है कि खेतों के मछली खाने से लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। कोटवारों और सरपंचों द्वारा आसपास के ग्रामीणों को मुनादी करा दी गई है कि खेतों की मछली न पकड़ें न खाएं, क्योंकि अभी का समय खेतों में रासायनिक कीटनाशक और खाद की छिड़काव होती है, जिससे खेतों की मछली जहर युक्त हो जाती है। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर और राजपुर में स्व सहायता समूह की महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर दूध उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इसका सीधा लाभ आसपास के सभी पशुपालकों को हो रहा है। रीपा के तहत दूध इकाई स्थापित होने से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में दो समूह में महिलाएं मिलकर दूध वाला नाम से डेयरी संचालन कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि गांव के आसपास के पशुपालकों से दूध खरीदकर दूध तथा दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों का विक्रय कर रही है। महिलाओं और पशुपालकों को बाजार मिलने से उनकी आय में वृद्धि हो रही है।